बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रोफेशनल स्टार्ट को करना है काम बट मुझे ये पता नहीं है कि मैं किस चीज़ में मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ किस चीज़ में मैं आपका अच्छा हूँ तो एक बहुत अच्छा मैं आपको टिप देता हूँ अगर आपके पास कैमरा है तो बहुत बढ़िया है आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हो अगर कैमरा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है सबके पास अभी मोबाइल रहते हैं तो क्या कीजिए कि आप एक टाइम डिसाइड कीजिए कि एक महीना पंद्रह दिन जो भी आपका सेट होता है उसमें आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो आपका फ़ोटो खींचना है फ़ोटो खींचे और अपने पीसी में है अपने सिस्टम में आप कॉपी कर लीजिए एक फोल्डर बना दीजिए जिसमें आपको हर रोज उसमें जो फोटोज आप खींचते हैं वो डंप करना है अभी जो आपका टाइम जो डिसाइड किया है पंद्रह दिन एक महीना वो जब ख़त्म होता है तो उस फोटोग्राफी के जो आपके फोटोज़ हैं जो आपने फोटोग्राफी की हुई है उसको आप फोल्डरिंग कीजिए कि आपने लैंडस्केप फोटोज़ खींचे हैं आपने मैक्रो फोटो खींचा हुआ है आपने लोगों के पोर्ट्रेट्स लिए हुए हैं अपने स्ट्रीट पोर्ट्रेट लिए हुए हैं अपने दोस्तों को बोल के फैशन टाइप के फ़ोटो लिए है तो वो सब आप फोल्डरिंग कीजिए और उसमें से जो फोल्डर में सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगे ना ये एक बहुत अच्छा एक साइन है कि आप इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप उसके हिसाब से अपना पूरा प्लान कर सकते हो फोटोग्राफी का